नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जहां बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। NIA चेन्नई, कन्याकुमारी और तमिलनाडु के 11 शहरों में छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसी की ये छापेमारी आतंकवादी फंडिंग और भर्ती मामले को लेकर की जा रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी नागरिक उस होटल के बाहर एकत्र हुए, जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार डिवीजन के न्यू बैनाकुड़ी स्टेशन पर खाली बालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में ASOSAI की 16वीं सभा का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। सरवन सिंह पंडेन ने हरियाणा के पिपली में आज बड़ी महापंचायत करने का ऐलान किया है। सभी किसानों को वहां पहुंचने का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। भाजपा के विदेश मामलों के प्रभारी डॉक्टर विजय चौधरीवाले ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी USA के प्रमुख स्वयंसेवकों के साथ बातचीत की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के विदेश मामलों की समिति ने बुधवार को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के मुद्दे पर 24 सितंबर को पेश होने के लिए समन भेजा। स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न पर 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस को कौन भूल सकता है। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। रेप का मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे सोमवार को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। संजय राउत ने अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस किसी को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। महाराष्ट्र को सच जानना चाहिए। AIMIM नेताओं ने सोमवार को छत्रपति संभाजीनगर से लेकर मुंबई तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए संविधान रैली निकाली। इस रैली में पूर्व सांसद इम्तियाज जलील, वारिस पठान जैसे नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अक्षय शिंदे को गोली मारना सबूत मिटाने की कोशिश है। अक्षय शिंदे ने गोली कैसे मारी है, क्या पुलिस हिरासत में आरोपी अक्षय के हाथ बंधे नहीं थे क्या। NCP SP चीफ शरद पवार ने कहा कि जब वह सत्ता में थे तो सरकारी योजना में अपनी फोटो नहीं लगाते थे, क्योंकि वह पैसा सरकार के पॉकेट से नहीं जाता था। घरेलू शेयर बाजार नए उच्च स्तर के रिकॉर्ड के साथ सप्ताह की शुरुआत करने के बाद आज मंगलवार को भी रैली की राह पर है। मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धि विनायक मंदिर के महाप्रसाद में चूहे मिलने का मामला सामने आया है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि ये किसी अन्य जगह के विजुअल हो सकते हैं और ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म लापता लेडीज साल 2025 के लिए भारत की तरफ से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री होगी। आज के टॉप 20 में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।